ग्रीष्मा बेकारी हत्याकांड जिसने दहला कर रख दिया है गुजरात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज। बता दें कि बीबीसी गुजरात से बात करते हुए बेकारिया परिवार के सदस्यों ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई है। ऐसे में सरकार कैसे बेटियों की सुरक्षा का दावा कर सकती है। कहा जा रहा है कि परिवार का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर फेनिल गोनी ने परिवार वालों के सामने ग्रीष्मा का गला काट डाला। बता दें कि ग्रीष्मा की चाची ने बताया कि ऐसी घटनाएं जारी रही तो हमारी बेटियां कैसे पढ़ पाएगी। सरकार ने बनेरे पोस्ट लगाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही है तो महिला सुरक्षा से जुड़े बनेरे पोस्ट हटा लेने चाहिए, नारे लगाने बंद कर देने चाहिए और बेटी बचाओ के बनेरे के बदले लगाना चाहिए कि बेटी बचानी है तो घर पर रहो। बता दें कि ग्रीष्मा की चाची फेनिल को सख्त सजा देने की मांग कर रही है ताकि दूसरों को भी सबक मिले। उन्होंने कहा, ग्रीष्मा के साथ जो हुआ वैसा देश की किसी दूसरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? वे तभी सुरक्षित रहेगी जब राज्य सरकार पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाएगी। नई अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।